आइंसिस एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएमआरसी द्वारा कराए गए एग्जाम फॉर द ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जो कि आपका एएम के लिए इन्होंने कंडक्ट कराया है, एफएनटी के लिए। कई स्टूडेंट्स के से बात करने के बाद ये पता चला है कि पैटर्न में अचानक से काफी बदलाव देखने को मिला। जो एएम का पैटर्न था कि ये जो है 75 क्वेश्चंस पूछेंगे टेक्निकल सेक्शन से और 45 क्वेश्चन ये पूछेंगे नॉन टेक सेक्शन से, जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस के फिट होंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड और जीके के। लेकिन वहां पर जब बच्चे एग्जाम के अंदर गए तो वहां पता चला कि टेक्निकल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। इस तरह का अगर मजाक बच्चों के साथ या बच्चों के करियर के साथ हो रहा है तो जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। और अब ये चीज तो इन्होंने कर दी, एग्जाम जो है इन्होंने पैटर्न अचानक चेंज कर दिया। फिर अगले दिन क्या किया कि इन्होंने सुनने में आया कि जहां पे वो इनका नोटिफिकेशन था वहां पे जो है टेक्निकल की जगह ये टेक्निकल वर्ड ही गायब हो गया, तो अगले दिन जो है इन्होंने पूरा मामला ही वहां से खत्म कर दिया। तो ये चीज जो है घटना जो हुई है बच्चों के साथ, तो अब हमारे हाथ में क्या है, व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि जो डीएमआरसी अथॉरिटी है, जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर हम संपर्क करें। कई बच्चे संपर्क कर भी रहे हैं लेकिन उधर से कोई रिप्लाई मिलने के चांसेस नहीं है और ना तो ये रिप्लाई करेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि जैसा कि पता है कि बच्चों की संख्या जो इस एग्जाम के अंदर कम है, तो इसका भी जो है बेनिफिट डीएमआरसी जो है उठा सकता है कि संख्या कम है तो बच्चे क्या कर लेंगे, ज्यादा बच्चे क्या कर लेंगे। तो पहले चीज तो हमें जो है ये यूनिटी बनाना पड़ेगा, जितने भी एएम के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या डीएमआरसी का और भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, और भी एग्जाम के अंदर जो है थोड़ा पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है, या बदलाव देखने को मिला है या बदलाव अचानक से किया गया है या फिर जो है ये जानबूझकर हुआ है या फिर गलती से हुआ है। ये कई सारे सवाल जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि ये आखिर हुआ कैसे, अचानक से हुआ है या फिर ये किसी जो है किसी गलती से हुआ है कि ये जानबूझकर किया गया। अचानक से टेक्निकल एग्जाम को एक बैंकिंग पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन पूछना, रीजनिंग के इस तरह से फिटिंग अरेंजमेंट से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन डाल देना, और उसके बाद मैथ्स के अंदर डीआई के बड़े बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल देना, और टेक्निकल एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं, हमें अचानक से जाके वहां पे नॉन टेक जो है क्वेश्चन को क्या नाम सामने मिलना। तो इस तरह की जो घटना हुई है बच्चों के साथ सीधी सीधी गलत हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो हेल्पलाइन पे ये कुछ नहीं करने वाले, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बचता ये है कि पहले तो हम यूनिटी बनाएं, जिन बच्चों का जो है साथ ये गलत हुआ है वो बच्चे जो है अपना एक यूनिटी बनाएं या कोई प्लेटफॉर्म बनाएं ऑनलाइन, जिसके अंदर हम कैंपेन चला सकते हैं कि ये एग्जाम पैटर्न में हुआ है। और जैसा कि हमें पता है कि आजकल रवि सर जो है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो हम जो है एनडीटीवी के साथ संपर्क कर सकते हैं कि ये एक्चुअली एग्जाम में हमारे साथ हुआ है और ये बहुत ही मानी जानी अथॉरिटी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कोई छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है, हाई लेवल पर एएम की पोस्ट की जो कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उस पोस्ट के साथ ये हुआ है। तो सेकंड थिंग ये कि हम रवि सर को अप्रोच कर सकते हैं। एंड थर्ड वन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो है, जो कि हमारे मिस्टर पीयूष कुमार गोयल जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं कि सर अचानक से ये हुआ है पैटर्न में। तो ये तीन चार ऑप्शन जो हमारे पास हैं, इसमें से हम जो है हमें एक ऑप्शन क्या, हमें हर ऑप्शन के लिए जो है जाना चाहिए ताकि जो है हम इसमें कुछ कर पाएं। तो अब जो है सबसे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो इस एग्जाम को जिन्होंने दिया है जिन्होंने नहीं दिया है, सब लोग इस चीज़ में आएँ। और एक चीज़ और जो है मैं बात उठाना चाहूँगा कि ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, एग्जाम बिल्कुल भी पिछली बार साल के एग्जाम से बिल्कुल अलग देखने को मिला है। इस बार भी वहाँ पर पहले कंप्यूटर क्वेश्चन थे, इस बार पूरे के पूरे कंप्यूटर क्वेश्चन गायब थे। इस पर मैथ का लेवल भी इन्होंने बिल्कुल जो है बैंकिंग तरह काफ़ी लेंथी क्वेश्चन डाले हुए हैं, अब ये जानबूझकर किया गया है या उसके, तो आप जो है